खबर भीलवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की 13वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं असम के निवर्तमान राज्यपाल स्वर्गीय शिवचरण माथुर की 13वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को महिला आश्रम शैक्षणिक संस्थान भीलवाड़ा द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के सभी पदाधिकारियों, स्टाफ एवं समस्त छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके कार्यों का स्मरण किया। महिला आश्रम सचिव श्रीमती वंदना माथुर ने शिवचरण माथुर के कार्यों को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय माथुर साहब ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था, जिससे प्रदेश का आज जो स्वरूप दिख रहा है उसको गति मिली। उन्होंने एक सच्चे जनसेवक के रूप में प्रदेश के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास और जनसेवा को हमेशा प्राथमिकता में रखा। भीलवाड़ा जिले और मांडलगढ़ क्षेत्र के विकास में जो योगदान माथुर साहब ने दिया है, उसी का ही परिणाम है। भीलवाड़ा को आज टेक्सटाइल नगरी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महिला आश्रम संस्थान के से कहा मार्गदर्शक के रूप में समय समय पर अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से आज महिला आश्रम संस्थान का जो रूप दिख रहा है वह उनकी और श्रीमती सुशीला देवी माथुर की दूरगामी सोच का ही स्वरूप है। वो आज व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं है, पर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमेशा साथ रहेगा। इस अवसर पर श्रीमती नारायणी देवी वर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडलगढ़ में भी शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान मांडलगढ़ की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिवचरण माथुर विकास एवं सेवा संस्थान सचिव विभाग माथुर ने बताया कि शिवचरण माथुर साहब ने राजस्थान के विकास के साथ भीलवाड़ा जिले और मांडलगढ़ क्षेत्र के विकास का भी सदैव केंद्र बिंदु में रखा। आज माथुर साहब हमारे बीच उपस्थित तो नहीं हैं, पर वो एक सच्चे जनसेवक के रूप में सदैव हमारी स्मृतियों में रहेंगे और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसी प्रकार जयपुर में स्थित शिवचरण माथुर सामाजिक नीति शोध संस्थान में भी उनके प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पदाधिकारियों, स्टाफ एवं परिजनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके कार्यों का पुण्य स्मरण किया। संस्थान के संरक्षक के रूप में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। उनकी और सुशीला जी माथुर की प्रेरणा ही थी, उनका आशीर्वाद ही है कि आज ये संस्थान अपने उनके विचारों के हिसाब से, उनके विचारों की मूलधारा के अपना के हिसाब से अपना काम कर रहा है। राजस्थान के विकास, राजस्थान प्रदेश की उन्नति और देश की प्रगति, देश के हर काम में उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो थी, उसी ने गति दी है। और मैं ये मानती हूँ कि राजनीति के लंबे सफर में रहते हुए भी उन्होंने जिस सादगी, ईमानदारी और सच्चाई से अपनी पूरी यात्रा सफर की वो अविस्मरणीय है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे और उनके आदर्शों पर हम लोग चलते रहें। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।